140 करोड़ रुपए में बनी बैंग बैंग मूवी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 340 करोड़ का बिजनेस किया था। ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ का ये मूवी 2014 का वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग बॉलीवुड का एक मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ अनंत के डायरेक्शन में बनी ये मूवी एक्चुअल में हॉलीवुड का एक मूवी नाइट एंड डे का ऑफिशियल रीमेक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्लॉकबस्टर मूवी बैंग बैंग से जुड़ी कुछ बिहाइंड द सीन को दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपको सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये मूवी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के जो डायरेक्टर सिद्धार्थ अनंत है, उनके सारे मूवी एक्शन से भरे होते हैं। बैंग बैंग मूवी में इस वाले बाइक सीन को तो आपने जरूर देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि इस वाले बाइक सीन को दुबई की एक लोकेशन पर शूट किया गया था। ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ के इस वाले बाइक सीन को कैप्चर करने के लिए कोई भी दूसरे बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस सीन में दिखाए गए सभी शॉट उन्होंने खुद से ही करे थे। मैं आपको बता दूं कि इस सीन में जो बाइक का स्पीड दिखाया गया है वो पूरी तरह से रियल था, यानी कि एक्चुअल में इतनी स्पीड पर इस सीन को कैप्चर किया गया था। स्टार्टिंग में इस सीन के लिए बाइक का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया, लेकिन बाद में इस सीन को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए बाइक का स्पीड 20 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर रख दिया गया। और इस वाले सीन को कैप्चर करने के लिए ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ कोई भी सपोर्टिंग वर्क और सेफ्टी नहीं लिए थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बाइक स्टंट था। बैंग बैंग टाइटल ट्रैक इन कंपोजिंग 5 मिनट। हाँ, ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। एक गाने को सिर्फ 5 मिनट में कंपोज किया गया, जो कि आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है। मैं आपको बता दूं कि इस सॉन्ग को कंपोज किए थे विशाल ददलानी और शेखर ने, जो कि बॉलीवुड के सबसे फेमस कंपोजर है। बैंग बैंग सॉन्ग में जो भी डांस स्टेप दिखाए गए हैं वो एक ट्रिब्यूटेड सॉन्ग था। मैं आपको बता दूं कि इस सॉन्ग में मैक्सिमम स्टेप माइकल जैक्सन के सिग्नेचर स्टेप से लिए गए थे, और यहाँ पर ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा खतरनाक था। इस सीन में कैटरीना कैफ का एक हॉट एंड अट्रैक्टिव सीन था, और इस सीन को कैप्चर करने के लिए रियल में सेट पर पानी भरा गया था, और पानी के ऊपर इस सीन को परफेक्टली कैप्चर किया गया। इस गाने को कोरियोग्राफ किए थे वास्को मार्टिस, जो मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ अनंत के हर मूवी में कोरियोग्राफ करते हैं, जैसे कि हाल ही में रिलीज हुई पठान मूवी। मूवी का ये वाला सीन दिल्ली के एक लोकेशन पर शूट किया गया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी एक्शन शॉट रियलिस्टिक में बिना कोई VFX के शूट हो रहा है, और ऋतिक रोशन ये सारा एक्शन सीन खुद से ही शूट किए थे, जिसके लिए कोई भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस एक्शन सीन में सभी रियल कार यूज किए गए हैं, और कार को रियल में ब्लास्ट भी किया गया था। बैंग बैंग का करीबन 80% सीन पूरी तरह से रियल तरीके से शूट किया गया है, और इस मूवी में थोड़ा बहुत VFX का भी इस्तेमाल लिया गया, जैसा कि ये ब्रिज वाला एक्शन सीन। इस सीन को कैप्चर करने के समय जो भी बैकग्राउंड सीन था उसे VFX के मदद से रिमूव करके पहाड़ों वाले सीन को मर्ज कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में जो कोहिनूर डायमंड क्यूब दिखाया गया है उसे CGI की मदद से क्रिएट किया गया था, जो मूवी में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। बाद में जब विलन ऋतिक रोशन पर अटैक किए थे, तभी ऋतिक और कैटरीना कैफ के विंडो से जंप करने वाला सीन उसे भी VFX के द्वारा क्रिएट करे गए थे। और यहाँ पर आप जो टूटता हुआ शीशा देख रहे हैं उस जगह पर हरे रंग के पर्दे लगाए गए थे। मूवी के इस वाले सीन में काफी सारे VFX देखने को मिलते हैं। हालांकि इस सीन को एक स्टूडियो के अंदर शूट किया गया था, यहाँ पर दिखाई गई काफी सारे सीन स्पेशल इफेक्ट की मदद से क्रिएट करे गए थे, जैसे कि गुलाब के फूल के पंखुड़ी और आइस के सभी बैकग्राउंड सीन। और बैकग्राउंड के सभी आइस वाले सीन के लिए एक स्पेशल इफेक्ट का हेल्प लिया गया था।